स्वागत करता हूं यूटेक ब्लॉग के नए वीडियो में। आज बात करने वाले हैं वन प्लस नॉर्ड की। जी हाँ, वन प्लस ने अपना एक नया फोन लॉन्च किया है जो कि है वन प्लस नॉर्ड। मैं आपको बता दूं, वैसे तो वन प्लस जो है हमेशा थोड़े कॉस्टली फोन्स निकालते हैं, लेकिन इस बार जो इसने फोन लॉन्च किया है वो है 20 से 25,000 के बीच में और बहुत ही जबरदस्त एंड बजटेड फोन है ये। हालांकि अगर आपको इससे भी कोई लोअर रेंज में फोन लेना है तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं सैमसंग M31S के ऊपर, तो अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि अगर आपको 120,000 का फोन लेना हो तो वो परचेस कर सकते। दूसरी बात, तो नॉन चाइनीज भी है, या वन प्लस है तो चाइनीज, लेकिन भाई सब क्या करें, इंडियन मार्केट में अभी इतने अच्छे अच्छे फोन ब्रांड्स अवेलेबल नहीं है। तो अभी जो मेरे पास जो लेटेस्ट न्यूज थी वो यही थी कि वन प्लस नॉर्ड लॉन्च हुआ है। तो बढ़िया वीडियो के अंत तक बताऊंगा सारे फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, प्रोज एंड कॉन्स और क्या रहने वाली है इसकी प्राइसिंग, कब तक अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। उससे पहले जो लोग नए आए हैं वो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल आइकन उसे कर लीजिए हिट, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। जैसे कि आप सबको पता है कि वन प्लस के फोन तो वैसे ही बहुत बेहतरीन होते हैं, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत बेहतरीन होती है। कहने का मतलब बहुत हाई रेंज में रहता है, लेकिन इस बार वन प्लस ने सोचा है कि इस बार मिड रेंज फोन निकालेंगे जो कि आपका 24,000, 25,000, 30,000 के बीच का होने वाला है। और ये फोन जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है आप सभी की जेब के लिए भी, और जो टेक लवर्स हैं उन सभी के लिए फोन काफी अच्छा होने वाला है। तो धीरे धीरे बात करते हैं सारे स्पेसिफिकेशंस की, क्या रहने वाले इसके स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, 6.44 इंच का फुल HD डिस्प्ले होने वाला है जो कि फ्लूइड एमोलेड के साथ आएगा। बात करें बैटरी की, 4,115 mAh की बैटरी होने वाली है वर्क चार्ज 30T के साथ। जी हाँ, मतलब 30 मिनट में आपका जो फोन है वो कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा और पूरा दिन आप उसे आराम से यूज कर सकते हैं। हालांकि ये 4,115 mAh थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है, काफी अच्छा है बिकॉज परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी अच्छा। टाइप सी का सपोर्ट मिलेगा आपको, चार्जिंग टाइप सी। बात करें स्टोरेज की, तो अलग अलग वेरिएंट में फोन अवेलेबल है। यहाँ आपको 6/64 मिल जाएगा, 6GB रैम, 64GB स्टोरेज। बात करें 8/128 की, तो 8GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज। बात करें वही 12GB एंड 256, तो भाई 12GB का रैम एंड 256GB की स्टोरेज, इज डिपेंड ऑन यू कि आपके लिए कौन सा बेटर रहने वाला है। रही बात कैमरा की, तो भाई बैक में आपको मिलेगा क्वाड कैमरा का सपोर्ट, और इसका जो कैमरा है वो बड़ा ही जबरदस्त है। जी हाँ, 48MP का सोनी IMX586 विद OIS मिलने वाला है आपको, मतलब बहुत ही बेहतरीन कैमरा होगा। नाइटस्केप के साथ है। OIS की बात करें तो इमेज स्टेबलाइजेशन होता है ये, मतलब बहुत ही अच्छी इमेज होने वाली है आपकी इस कैमरा के थ्रू। वहीं 8MP का आपको मिल जाएगा 119 डिग्री का अल्ट्रा वाइड कैमरा, ये भी आपके साथ इसमें बैक में मिलने वाला है। 5MP का डेप्थ कैमरा मिलेगा, सेम 2MP का मैक्रो कैमरा भी है इसके अंदर, और जैसे कि मैंने बताया ये क्वाड फ्लैगशिप कैमरा है। जी हाँ, तो इसका कैमरा जो है वो बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है इस रेंज के अंदर। वहीं अगर बात करें इसके फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको मिलेगा 32MP का, मतलब 32 मेगापिक्सल का सोनी IMX616, और साथ में 8MP 105 डिग्री अल्ट्रा वाइड कैमरा, मतलब सामने दो कैमरा मिलने वाले हैं। जी हाँ, ये डुअल सेल्फी कैमरा होने वाला है जो कि मैंने आपको बताया वन प्लस नॉट के अंदर। बात करें इसकी परफॉर्मेंस की कि क्या रहने वाली इसकी परफॉर्मेंस, तो भाई प्रोसेसर जो इसका होगा वो होगा स्नैपड्रैगन 765 ऑक्टाकोर 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला है ये। OS की बात करें तो इसका अपना ऑक्सीजन OS है जो कि एंड्रॉइड 10 पे वर्क करेगा। वही बात करें इसके कुछ अदर फीचर्स की कि भाई फिंगरप्रिंट का क्या रहने वाला है, तो उसके बैक साइड में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, तो भाई साइड में भी कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, ना फिंगरप्रिंट सेंसर है का। ऑब्वियसली बात है, लेटेस्ट फोन है तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और कमाल का फिंगरप्रिंट सेंसर आने वाला है, साथ साथ फेस अनलॉक फीचर भी है। जी हाँ, और फेस अनलॉक फीचर भी इसका बहुत ही फास्ट एंड
सुपीरियर है, साथ में 5G का सपोर्ट लेकर आया है ये। जी हाँ, 5G भी है इसके अंदर। हालांकि अभी नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे, जैसे कि आप सबको पता है कि जियो ने लॉन्च कर दिया है, इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है कि 5G जो है वो लॉन्च होने वाला है जियो के थ्रू। तो ये था बेसिकली आज जो मैंने आपको बताया वन प्लस नॉर्ड के बारे में, और इसका जो सबसे मेन हाईलाइट है वो है इसका कैमरा। जी हाँ, नाइट में भी बहुत अच्छी फोटो क्लिक कर सकता है, और फ्लैगशिप कैमरा तो यार आप खुद ही समझ सकते हो। हालांकि मैंने सैमसंग M31S में भी इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करी है। तो ये था बेसिकली आज का जो सबसे बेस्ट फोन है जो इस रेंज में निकलने वाला। रही बात प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या होने वाली, तो भाई 664 का जो रेंज होगा, मतलब जो 6GB रैम एंड 64GB वेरिएंट वाला फोन है, वो करीब करीब 24,999 का होने वाला है। वहीं बात करें 8GB और 128 के साथ, ये करीब 27,999 का होने वाला है। वहीं बात करें 12GB 256GB के साथ, तो ये जो है वो 29,999 का होने वाला है। तो भाई बजटेड फोन ही है, 25,000 से लेके 30,000 के बीच में आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। तो भाई लॉन्च होने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अमेजोन पे आपको ये फोन अवेलेबल हो जाएगा, बाकी कुछ साइट्स पे भी धीरे धीरे जो है वो कमिंग सून है, तो जल्दी ये फोन लॉन्च हो जाएगा। वेट कीजिए, अगर आपको पसंद आया हो तो परचेस कर लेना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सपोर्ट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू टेक व्लॉग।